मुत्तफिका तौर पे जो फैसला किया वो ये कि हम हुकूमत आजाद कश्मीर को 18 जनवरी की डेडलाइन देते हैं कि 18 जनवरी तक जो आपने जुल्म किया है, जो आपने एटम बम आजाद कश्मीर के गरीब और निहत्थीन लोगों के ऊपर गिराए, उसको फिर फोर वापस ले। अगर नहीं तो 19 तारीख के हवाले से पूरे पुंछ के अंदर हर एक छोटे और बड़े शहर के अंदर जाके इस मुहिम को लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह रावलाकोट को जाम करेंगे। रावलाकोट में पीपल्स राइट्स फोरम का बड़ा ऐलान, बेजा टैक्सेस, आटे की कीमतें बढ़ाने और दीगर बुनियादी मसाइल के हवाले से 19 जनवरी को पुंछ भर में एहतजाज किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका फोरम पीपल्स राइट्स फोरम का एक अहम इजलास के बाद मुश्तरका ऐलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक वाज़े किया गया कि अगर बेजा टैक्सेस का खात्मा, आटे में बढ़ाई गई कीमतों को वापस न लिया गया तो 19 जनवरी को पुंछ में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स राइट्स फोरम के रहनुमाओं ने आवाम से अपील की कि 18 जनवरी दिन 1 बजे अहाता अदालत जमा होकर अपने मुंह से नवाला छीलने वालों से हिसाब लें। उन्होंने कहा कि हुक्मरान तबका अयाशियों में मसरूफ अमल है, महंगी महंगी गाड़ियां बैरून मुल्क से खरीदी जा रही हैं, दूसरी तरफ अवाम आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अवाम आटे की कीमतों में इजाफा जो अवाम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है, जिसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मुल्कगीर तहरीक शुरू की जाएगी। पर्ल न्यूज़ रावलाकोट। पर्ल न्यूज़।